प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डिजिटल लर्निंग में। तो 5 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए थे पीएचपी के। आज चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ कैन वी रन अ पीएचपी फाइल? एक्चुअली पीएचपी फाइल कैसे रन करते हैं ये मैंने आपको +1 में भी अच्छी तरह से बता दिया था, ठीक है? तो यहाँ पे भी समझ लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन ड्रीमवीवर एडिटर। प्रोग्राम लिखना है जो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक डेमो दिया हुआ है प्रोग्राम का। तो ड्रीमवीवर एडिटर के अंदर ये प्रोग्राम लिखा, जिसमें एचटीएमएल शुरू की, हेड टैग, टाइटल के अंदर पीएचपी प्रोग्राम एग्जांपल, टाइटल टैग क्लोज, हेड क्लोज, उसके बाद यहाँ पे बॉडी टैग शुरू है, यहाँ पे पीएचपी टैग लिखा। ज़्यादा लंबा कोई कोड नहीं लिखा हुआ, सिंपल एक कोडिंग की लाइन लिखी हुई है पीएचपी की। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया हुआ है कि पीएचपी शुरू की और उसके अंदर इको किया हुआ है हेलो पीएचपी, हेलो पीएचपी को डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे पीएचपी टैग जो है वो क्लोज है। अब क्लोजिंग के लिए यहाँ पे पीएचपी हम नहीं लिखते हैं, यहाँ पे होता है साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है? और यहाँ पे बॉडी टैग क्लोज, एचटीएमएल क्लोज, ठीक है? ये प्रोग्राम लिखा हमने ड्रीमवीवर के अंदर, ठीक है? नाउ सेव द फाइल इन डायरेक्टरी। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस फाइल को सेव करते हैं डायरेक्टरी के अंदर, यानी कि सी ड्राइव में, इस तरह से // बैम्प के अंदर, बैम्प में www फोल्डर, उसके अंदर एज द नेम ऑफ टेस्ट डॉट पी एच पी एक्सटेंशन। उसके बाद हमने इस फाइल को इस डायरेक्टरी के अंदर सेव किया, सी ड्राइव में, बैम्प www के अंदर, टेस्ट डॉट पी एच पी फाइल नेम से, ठीक है? स्टार्ट बैम्प सर्वर एंड क्लिक ऑन स्टार्ट सर्विस। उसके बाद हम यहाँ से कॉर्नर से जहाँ पे हमारा बैम्प सर्वर सेव होता है, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे रन किया बैम सर्वर, इस पर हम क्लिक करते हैं और उसके बाद लोकल होस्ट पे से रन कर देते हैं। लोकल होस्ट पे रन करते ही ये गूगल क्रोम के अंदर करो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर करो, ठीक है? गूगल क्रोम के अंदर ओपन कर रहा हूँ मैं, तो ये गूगल क्रोम के अंदर ओपन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे एरर्स आ रही हैं क्योंकि कोई मतलब नहीं है, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फाइल हमने बनाई वो यहाँ पे सेव की, ठीक है? उसके बाद हम क्या करते हैं कि बैम्प सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं और वहां पे करते हैं स्टार्ट सर्विसेज। नाउ क्लिक ऑन लोकल होस्ट विच विल रन अ डिफॉल्ट वेब ब्राउजर। उसके बाद हम लोकल होस्ट के अंदर इस तरह से फाइल का नाम जो है वो टाइप करते हैं, लोकल होस्ट /test.php, एंड प्रेस एंटर की, और हमारी फाइल जो है वो रन हो जाती है, ठीक है? चलिए, अब ये तो हो गया एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो आप लोगों ने +1 में भी किया है। हम बात कर रहे थे एक CSS की, कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। अब वेबसाइट में जैसे मैंने आपको बताया कि CSS से हम तरह तरह के विजुअल इफेक्ट क्रिएट करते हैं, मेन्यूज बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट जो है हम अपने वेब पेज के अंदर जो है वो बना सकते हैं। तो उसमें से एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ CSS का, ठीक है? तो ड्रीमवीवर जो है मैंने ओपन करके रखा हुआ, यहाँ पे एक नई फाइल ओपन है। यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा एक छोटा सा प्रोग्राम बताऊंगा, ठीक है? हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो वेबसाइट में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो किस तरह से एडजस्ट की होती हैं और कैसे की गई होती हैं, ठीक है? तो मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो टैग है वो क्लोज। अब यहाँ पे मैंने शुरू किया li। अब ठहरो, इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ, ठीक है? लार्जिंग के लिए हम प्रेफरेंसेस के अंदर यहाँ पे कोड कलरिंग, कोड हिंटिंग, सीएसएस स्टाइल, फॉन्ट्स, ठीक है? यहाँ पे 12 का साइज है, मैं इसको करता हूँ 14। फिक्स्ड फॉन्ट जो है वो भी 14, लार्जर यहाँ पे 14 कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है? और इसके अंदर मैंने लिस्टिंग कर दी। यहाँ पे हम बनाते हैं एक होम, ठीक है? लिस्ट क्लोज, li, यहाँ पे रख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है? एक मेनू बना रहे हैं, मेनू क्या, एक छोटा टैब्स ही बना लेते हैं, मेनू रहने देते हैं, मेनू का थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, उसको हम प्रोजेक्ट में ऐड कर लेंगे, ठीक है? होम स्टूडेंट, यहाँ पे li फिर से, यहाँ पे एक टैब रख लेते हैं एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड, और यहाँ पे इसको क्लोज, यहाँ पे अबाउट अस, ठीक है? ये हो गई हमारी लिस्टिंग, मैं इसको कर रहा हूँ फाइल को सेव, ठीक है?
अब इसका नाम रख देते हैं हम प्रोजेक्ट डॉट पी एच पी। ठीक है, प्रोजेक्ट डॉट पी एच पी नाम से रख रहा हूँ मैं इसका नाम से। अब इसको रन करते हैं लोकल होस्ट के ऊपर। ठीक है, लोकल होस्ट यहाँ पे खाली है, कोई फाइल रन नहीं है। फाइल का नाम है प्रोजेक्ट डॉट पी एच पी। ठीक है, जो हमने नोडल लिस्ट बनाई थी वो इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब करते हैं इसको स्टाइल। तो स्टाइलिंग के लिए हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे स्टाइल सी एस एस को हम इसी टैग से लिखते हैं। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे एक कंटेनर कंट्रोल है जिसका हमने प्लस वन में भी यूज नहीं किया था, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ डी आई बी डिव। एक डिवीजन करेगी ये पूरे के पूरे कंट्रोल्स की और एक कंटेनर के अंदर सारे के सारे चीजों को डाल देगा। ठीक है, डिव आई डी और एक आई डी रखेंगे इसके लिए हम मिनो की, यहाँ पे क्लोज और यहाँ पे लास्ट में फिर डिव क्लोज। ठीक है, अब इसके ऊपर सारे के सारे जो फंक्शंस हैं, जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, इसको टैब्स बनाने के लिए, कलरिंग करने के लिए, वो अब हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं हैश और हैश लिखते हैं मिनो मिनो। अब ये एक चीज यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। अब देखो यहाँ पे जो इस तरह से नजर आ रही है ना अनऑर्डर लिस्ट, अब सबसे पहले हम इसका जो अनऑर्डर लिस्ट की जो स्टाइलिंग है वो हटा देते हैं क्योंकि हमने बना रहे हैं इसके टैब्स। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे मिनो और ये है मिनो के अंदर EOL अनऑर्डर लिस्ट ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हम करेंगे इसका लिस्ट स्टाइल नन। ठीक है, पहले तो इसका लिस्ट का जो स्टाइल है वो हटा देते हैं। रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, लिस्ट का स्टाइल जो है वो यहाँ पे हट गया है। अब चलते हैं लिस्ट आइटम्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हैश मिनू यूएल के अंदर जो लिस्ट आइटम्स हैं, मतलब कि ये वाली जो आइटम्स हैं इनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं हमने, तो इनके लिए उनका जो बैकग्राउंड का जो कलर है वो रख लेते हैं हम, ये वाला कलर रख लेते हैं जो अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको रख लेते हैं या ये वाला कलर रख लेते हैं, डन। ठीक है, सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड का कलर जो वो कुछ इस तरह से आ गया। अब इसको करते हैं, इसकी जो विड्थ है वो कुछ ज़्यादा ही है, इसको कर देते हैं एडजस्ट। इसकी जो विड्थ है वो रख लेते हैं 180 पिक्सल्स। ठीक है, ये होगी इसकी विड्थ एडजस्ट। ठीक है, विड्थ के बाद इसकी हाइट सेट कर लेते हैं, हाइट रख लेते हैं इसके लिए 30 पिक्सल्स, ये इसकी हाइट हो गई। ठीक है, हाइट के बाद करते हैं इसकी एक लाइन हाइट होती है इसमें, इसको बीच जैसे में एडजस्ट करने के लिए, तो लाइन हाइट रख लेते हैं इसके लिए हम 35 पिक्सल्स की। ठीक है, यानी कि इस लाइन से जो इसकी हाइट आएगी नीचे से बीच में जैसे बन रही है इसकी जो हाइट, ठीक है, वो है इसकी लाइन हाइट। ठीक है, इसके बाद जो टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो कर देते हैं सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट आगे सेंटर में, इसके बाद इनको कर देते हैं फ्लोट, लेफ्ट साइड को फ्लोट लेफ्ट, ये हो गया फ्लोट जस्ट लाइक टैब्स। ठीक है, अब एक और है, इनका जो बॉर्डर है ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में है, इसको कर देते हैं हम, इसका जो रेडियस है इसको कम कर देते हैं। तो रेडियस है, रेडियस बढ़ाते हैं, कम नहीं करना है इसका, रेडियस बढ़ाना है हमने। ठीक है, तो इसका जो बॉर्डर रेडियस जो है वो कर देते हैं हम 8 पिक्सल। ये देखो इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो हो गया 8 पिक्सल। ठीक है, अब इसके बाद बॉर्डर रेडियस के बाद अब इसके ऊपर हम हाइपरलिंक कैसे लगाते हैं कि आइटम जो है वो क्लिक करते ही ओपन हो जाते हैं, वो यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लो होम है ना, होम के ऊपर जैसे हम क्लिक करें तो
यहाँ पे कुछ ना कुछ ओपन हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम क्रिएट कर लेते हैं पहले एक वेब पेज। वेब पेज क्रिएट के लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे फाइल मेनू पे जाके न्यू पीएचपी क्रिएट, और यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ मैं एक डेमो नाम से। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस, इसका नाम रख देते हैं हम डेमो। यहाँ पे डेमो ऑलरेडी बना हुआ, डेमो वन डॉट पी एच पी, या फिर इसको ओवरराइट कर देते हैं डेमो डॉट पी एच पी से। यस, अब यहाँ पे इसको अलग दिखाने के लिए मैं बॉडी का बीजी कलर कर देता हूँ चेंज। ठीक है, ये हमारा जो वेब पेज है क्लिक करके यही ओपन हुआ। ठीक है, डेमो डॉट पी एच पी। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट डॉट पी एच पी। अब यहाँ पे लगा देते हैं इसके लिए हाइपर लिंक, AHREF हाइपर लिंक हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। यहाँ पे हमने बनाया था डेमो डॉट पी एच पी नाम से। ठीक है, यहाँ पे क्लोज, और यहाँ पे फिर ए एंकर क्लोज सेव। चलते हैं अपने वेब पेज के ऊपर, ये देखो इसके ऊपर लग गया यहाँ पे हाइपरलिंक। जैसे क्लिक करूँगा तो हमारा जो भी हमने बनाया हुआ था डेमो डॉट पी एच पी नाम से पेज, वो यहाँ पे हो गया ओपन। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया कि कैसे हमने सी एस एस से इसकी स्टाइलिंग की। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जो अंडरलाइन आ रहा है ना हाइपरलिंक का, इसको भी हम स्टाइलिंग से कर देंगे रिमूव। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे हैश मेनू अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है वहां पे जो ए टैग लगा हुआ है उसका जो टेक्स्ट का जो डेकोरेशन है वो हम कर देंगे नन। ठीक है, कर लेते क्लोज, इसको कर देते हैं फिर रिफ्रेश। ये देखो अब ये बिना उस अंडरलाइन के आ रहा है जैसे हमें स्टाइलिंग में ये चाहिए होता है। ठीक है, क्लिक किया, अपने आप ये जो है चेंज हो गया। ठीक है, तो सी एस एस का जो मेन यूज है मेनूज बनाने के लिए, इफेक्ट कैसे बनाएंगे हम प्रोजेक्ट के लिए वो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि हमने कैसे एक अनऑर्डर लिस्ट को सी एस एस से यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट से कैसे उसको टैब्स में कन्वर्ट कर दिया, और बाद में हम मेनूज में भी कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the syntax of PHP? PHP का syntax क्या है, ये PHP script क्या है और उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है PHP script can be placed anywhere in the document। अब PHP script को हम कहीं पे भी place कर सकते हैं web page के अंदर, document के अंदर, code में कहीं पे भी। ठीक है, अब PHP script begin with less than sign of interrogation PHP tag and ends with sign of interrogation greater than tag। ये PHP का tag है। ठीक है, इसके अंदर हम PHP का कोड लिखते हैं, जैसे ये है यहाँ पे सिंटैक्स दिया हुआ है साइन ऑफ इंटरोगेशन इस तरह से PHP, और यहाँ पे PHP का कोड है यहाँ पे क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखना है कि इसको हम कैसे इसको यूज़ करेंगे, देखो ऊपर हमने स्टाइलिंग यूज़ की और यहाँ पे हम साथ में इसको PHP को यूज़ कर देते हैं साइन ऑफ इंटरोगेशन PHP। ठीक है, अब पी एच पी यहाँ पे क्लोज, और यहाँ पे आता है हमारा पी एच पी का कोड। यहाँ पे मैं एक लाइन प्रिंट करवा रहा हूँ हेलो पी एच पी, और यहाँ पे क्लोज। ठीक है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रिफ्रेश। ठीक है, ये ऊपर आ गया हेलो पी एच पी। पी एच पी का कोड कैसे रन करें, ये तो छोटा सा एग्जांपल है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, हाउ कैन वी आउटपुट डाटा टू द ब्राउजर। अब हम जो डाटा उसको कैसे आउटपुट करेंगे ब्राउजर के ऊपर, अभी मैंने एक छोटी सी स्टेटमेंट यूज की थी इको बारी। ठीक है, इसके लिए चार स्टेटमेंट्स है पीएचपी में अलग अलग, उसके अलग अलग काम है। ठीक है, द वेरियस स्टेटमेंट्स टू आउटपुट टू ब्राउजर आर, फर्स्ट है प्रिंट। द प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज टू डिस्प्ले डाटा। अब प्रिंट स्टेटमेंट का काम भी डाटा को डिस्प्ले करने का, पीएचपी यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे उसके अंदर स्टेटमेंट लिखेंगे और ये भी डाटा को डिस्प्ले करवा देगी। और इको का भी काम सेम वैसे ही है, था इको स्टेटमेंट इज ऑल्सो यूज टू डिस्प्ले डाटा लाइक प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, प्रिंट का यूज करते थे हम बीवी स्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पे हम पीएचपी यूज करेंगे इसके लिए, हमारे लिए इको स्टेटमेंट अच्छी रहेगी तो हम इको का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, द इको स्टेटमेंट इज ऑल्सो यूज टू डिस्प्ले डाटा लाइक प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, साइन ऑफ इंटरोगेशन पीएचपी इको, और यहाँ ये मैंने आपको प्रैक्टिकली भी एग्जाम्पल करके यहाँ पे
बता दिया है, ठीक है, ये लिखा मैंने यहाँ पे इको, ठीक है, और साथ में लिख देते हैं प्रिंट, प्रिंट के साथ भी पीएचपी सेव रिफ्रेश, ये देखो सेम ऐसे प्रिंट किया इसने। तो आज के लिए इतने ही काफी था, कल फिर हम इसी क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट पॉइंट के साथ मिलेंगे, तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद जय हिमाचल।